नमस्कार, न्यूज़ विजिलेंस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सुनील जोगी, आज दिखाते हैं कि अलीगढ़ की सरजमी पर भारतवर्षीय नाथ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज पैर रखा है और यहां पर बहुत ही बड़ी संख्या में एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बीच में मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज, इनका स्वागत अलीगढ़ की सर जमीन पर बड़ी जोरदारी से स्वागत करेंगे। प्रमोद नाथ जी के साथ में शासनी से छोटू भाई, किस तरीके से स्वागत है देखते रहिए। हमारे साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत चल रहा है, जहां दिल्ली से चल करके आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आज अलीगढ़ की पावन भूमि पर इनका जोरदार स्वागत हो रहा है। सभी का, जो भी साथी आए, सभी का स्वागत चल रहा है किस तरीके से, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अपने नियत समय से पहले पहुँचे, वहीं कार्यकर्ताओं में जोश था, समाज के लोगों में जोश था उनका स्वागत करने के लिए। नाथ समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं अलीगढ़ में, जिन्होंने आज प्रोग्राम को संबोधित किया है, समाज को इकट्ठा किया है, लोगों से संबोधन दिया है अपना, जानते हैं कि अलीगढ़ पधारने का क्या कारण है और क्या व्यवस्थाएं समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे आज आपकी अलीगढ़ मीटिंग कैसी रही। अलीगढ़ मीटिंग हमारी बहुत ही सुंदर रही और बहुत ही प्रभावजनक रही। हमारे एक ही उद्देश्य था कि समाज को अपने जागृत करें। जब हमारा समाज खुद ही जागृत होएगा तो देश भी जागृत होएगा। इसमें जो हमारे बच्चे हैं जिनको भी ज्ञान नहीं है, अलीगढ़ एक ऐसा शहर है जिसके आसपास काफ़ी गांव लगते हैं। गांव लगने का कारण ये है कि यहाँ जो लोग हमारे गांव में रहते हैं उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती। और देशों में आप देखोगे, किसी भी बड़े देश में चले जाएँ, अमरीका चले जाओ, जापान चले जाओ, उन्होंने हमेशा डेवलप किया गाँव को। बड़ी बड़ी मेट्रो ऐसी चलाई हैं जो कि 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर जाती हैं और वो काम करके अपने घर जाते हैं। शहरों में सब कुछ है पर गांव में कुछ नहीं हो पा रहा किसी को। तो हमारा ये उद्देश्य, हमारे गांव में जो हमारे बच्चे रहते हैं या हमारी विधवाएं रहती हैं, उनके लिए हम काम करें, बच्चों को एजुकेशन के बारे में ज्ञान दें, क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो हमारे भाई रिटायर्ड टीचर हो गए हैं, बैंकों में हो। सर, जानना चाहेंगे कि आप नाथ संप्रदाय से हैं और नाथ संप्रदाय का विस्तार खत्म होता हुआ जा रहा है, नाथ संप्रदाय में दूसरे समुदाय के लोग हावी होते जा रहे हैं, इनके क्या कारण है। नाथ संप्रदाय जो है वो त्याग की भावना होती है जी। जिसमें त्याग की भावना नहीं, वो नाथ संप्रदाय से नहीं जुड़ सकता जी। जैसे एक माँ चार रोटी बनाती है और खाने वाले पाँच हैं, मगर वो माँ ये कह देती है आटा थोड़ा होने के कारण कि भाई मैंने तो रोटी खा ली, आप ले लो। त्याग सबसे बड़ा है नाथ संप्रदाय के अंदर। इसीलिए लोग भाग जो हैं वो नाथ संप्रदाय से दूर भाग रहे हैं। नाथ संप्रदाय है वो सत्य है, वो सत्य हमेशा खड़ा रहता है और दूसरी चीज़ें उसके आसपास मंडरा के चली जाती हैं, मगर सत्य हमेशा खड़ा रहता है। नाथ समाज एक, नाथ संप्रदाय एक सत्य है जिसके आधार पर जमीन रुकी हुई है। इसी जैसे हमारे नाथ संप्रदाय में ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी हुए हैं जिनके ऊपर बड़ी बड़ी पुस्तकें, भगवान गोरखनाथ जी के ऊपर अनेकों पुस्तकें लिखी गई हैं। और तो और मलिक मोहम्मद जैसी ने, जिनकी अमेठी में मजार बनी हुई है, उन्होंने बहुत बड़ी किताब पद्मावती के नाम से लिखी है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे बाहर विदेशों में जितने राइटर, जॉर्ज वेस्टन विस्ट हुए हैं, हजारों राइटर ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में आके सब पुस्तकें बनी है, सबसे बड़ा भगवान गोरखनाथ को माना। सर, अंत में यही जानना चाहेंगे, जहाँ पुस्तकों की आपने बात की है तो हर धर्म का बच्चों को सिखाया जाता है, सिलेबस में हर धर्म की बातें होती हैं, नाथ संप्रदाय का कोई भी चैप्टर आज तक किसी भी सिलेबस में नहीं है, क्या किसी प्रकार की कार्यवाही आपने सरकार के अमल में लाने के लिए ऐसी बात कही या नहीं कही। जब से बीजेपी सरकार आई है उससे मैं लगातार चिट्ठियां लिख रहा हूं, रजिस्ट्री दे रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी मैंने दी हैं और उनका आश्वासन या आश्वासन आया है। जितने भी हमारे HRD मिनिस्टर हुए हैं सबको मैंने चिट्ठियां दी हुई हैं, सबकी मेरे पर रजिस्टर कॉपियां हैं। पहले मैंने जो आपके फिलहाल अभी जो 7 तारीख को एक मैंने लेटर दिया है धर्मेंद्र प्रधान जी को, इससे और हमारे वो हैं बालक नाथ जी महाराज हैं
उनने भी लेटर लिखा है कि हमारे समाज को नाथ संप्रदाय को पढ़ाया जाए और हमारे गरीब जो बच्चे हैं उनके शुल्क जो बड़ी क्लासों में उनके माफ़ कराए जाएँ, जैसे डिग्री के हैं मेडिकल के, उन बच्चों को नहीं दे पाते हैं, मुश्किल से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये पूरा हम कार्य में लगे हुए हैं और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक नाथ संप्रदाय को नहीं पढ़ाया जाएगा तो ये बात नहीं बन पाएगी। छोटी छोटी जो जाति हैं उनके बारे में बच्चों को ज्ञान है, नाथ संप्रदाय के बारे में बहुत ज्ञान होना जरूरी है। सर, जो प्रतिमा भौमिक नाथ जो केंद्र में मंत्री बनी बैठी, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, नाथ संप्रदाय की हैं, प्रतिमा भौमिक नाथ, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितनी मदद करती है नाथ संप्रदाय की? बात यह है, उनको मदद के लिए भी कहना भी फजूल है। उसका रीजन ये है, अभी अभी सीट पे संभाली है, सीट पे आएंगी बैठेंगी तो सारा कुछ देखेंगी। वो OBC की मंत्री है, सिर्फ नाथ समाज की बात ना करें, सारे OBC को लेके चलना है, और ये भी उनका बड़प्पन है, वो हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।